हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फ्लावर बनाऊंगी पार्ट टू। तो इसमें मुझे चाहिए, ये मैंने फ्लावर बनाया है, ये मेरा फर्स्ट फ्लावर था। ये मैंने इसकी स्टिक कैसे बनाई है मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम इसकी स्टिक बनाएंगे इनसे। ये वेस्ट मटेरियल है तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ये इन वेस्ट मटेरियल से मैं आपको बताती हूँ इनसे कैसे बनाना है। तो पहले हमें एक ऐसी स्टिक लेनी है, फिर दूसरी, तो इन्हें हमें ये देखिए ऐसे मोड़ना है। मैंने मोड़ ली, अब मैं इसमें सेकेंड स्टिक लगाऊंगी। ये मैंने सेकेंड भी लगा दी, इसमें चार या फाइव स्टिक्स लगेंगी। ये मैंने इतनी लंबी स्टिक बना दी है, थोड़ी सी और लंबी बनेगी। आप ये मैं आपको बता देती हूँ उसमें कितनी स्टिक लगनी है। इसका जो ऊपर से ऐसे कोन टाइप सा है ना, उसमें हम अपना फ्लावर को पेस्ट करेंगे। तो ये मैंने इतनी लंबी स्टिक बना दी है इतनी। तो उसमें मैंने कितनी स्टिक यूज़ करी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 8 स्टिक इसमें यूज़ हुई है। और मैंने बहुत पास पास लगाई है, आप देख सकते हैं यहाँ मेरा फ्लावर पेस्ट होएगा। जैसे ये है ना मेरा, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है इसके अंदर। इससे देखिए ये जो है ना, इसके अंदर ये पेस्ट हो गया ये फ्लावर में। तो मैंने इसे अच्छे से मोड़ लिया। अब मैं फ्लावर इनसे बनाऊंगी, अभी आपको दिखाती हूँ। पहले ही मैं जो ये वेस्ट मटेरियल है मैं इनको साइड में कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इसको एक पेपर लिया, उसको सीजर से कट कर दिया यूँ लाइन लाइन से, और बहुत वो पतला पतला कट किया है। तो आप भी इसे पतला पतला कट करना, मेरा ऐसा एक और वीडियो है उसमें दिखाया है मैंने। तो ये मैंने दो, एक दो, और ये तीन, और ये चार, और ये पांच, और ये ऊपर ऊपर का लगाने के लिए वाइट वाइट छोटे छोटे पेपर कट करें। तो पहले मैं इन्हें चिपकाऊंगी, तो इन्हें साइड में कर देते हैं। ये जो पेपर है, मैंने इनमें से वन पेपर लेती हूँ, जो मैंने स्टिक बनाई है मैं उसमें इसे पेस्ट क्यों करूँगी। तो इसके लिए मुझे चाहिए फेविकॉल। पहले मैं इसका ये जो यहाँ पे है इसी पे गम लगाऊंगी। लगा दी, गम को साइड में रख दूंगी और इसे ऐसे ऐसे कर दूंगी। अभी यहाँ पे पेपर पे थोड़ी सी गम लगा दूंगी। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा काट लूंगी, पतला कर लेती हूँ इसे। ये मोड़ कर मैंने गम लगाई ना यहाँ पर, तो इसलिए मोड़ने के लिए। अब मैं यहाँ पे जल्दी से ये पेपर ऐसे ऐसे करके लगा देती हूँ, इससे वाइट रहेगा वरना ये ग्रीन ग्रीन दिखेगा, इसलिए मैंने ये लगाया है ऐसे। तो मेरा इतना फ्लावर तो बन गया है। ओके फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से मोड़ देती हूँ। और ये जो स्टिक थी वेस्ट मटेरियल वाली, इससे मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ इसको ऐसे सर्कल कर कर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसे यहाँ मोड़ देती हूँ। तो ऐसे मैंने ये पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर ये चार मैंने लिए है, चार पांच, तो ये मैंने इसके लिए लिए वैसे, जैसे ये थोड़ा और फूला फूला बनेगा। ये जो सबसे छोटी वाली स्टिक है इसको मैं यहाँ पे चिपकाऊंगी एक चीज से। तो पहले मैं फेविकॉल लगा दूंगी इस स्टिक पे। तो ये जो फेविकॉल है मैं इस स्टिक पे लगाऊंगी, इस पे स्टिक पे नहीं, मैं इस पे पेपर पे थोड़ा सा ऊंचा लगाऊंगी, इससे थोड़ा और ऊंचा लगे। वो मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे लगाया ना, क्योंकि वो नीचे लगाना था। अब मैं इसे जो सर्कल करती जाऊंगी। और फिर इसको ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो आपको करना है और वो ज़रूरी है, और वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे यहाँ से, तो ये फूला फूला है ना, इसे ऐसे यहाँ से यूँ कर देना, तो सिर्फ फूला फूला दिखेगा। मैंने बहुत पतला सा लगता है ना जब हम बनाते हैं, तो
तो ये मैंने फूला फूला बना दिया। देख अब ये फूला फूला बना है, इस पर इतनी सारी लगेगी ना, ये तो बहुत फूला फूला हो जाएगा। अब मैं इस पर ये वाली लगाऊंगी, थोड़ी मैंने सब साइज की कट करी हुई है, दो बड़ी बड़ी, एक सबसे छोटी और एक उससे मीडियम, और फिर दो बड़ी, दो नहीं तीन, वो दो बड़ी और एक और दो मीडियम है। तो इसको मैं थोड़ा ऊंचा ऊंचा लगाऊंगी जिससे घना लगेगा। अब वो मैंने आपको बताया था ना, इसे यू यू कर लेना। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे गम लगाती हूँ, मेरे पेपर पे गम लगा दी है। अब मैं इसे यू चिपकाऊंगी, ऐसे 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 ऐसे, जो हमारे पास वेस्ट कॉपी पड़ी रहती है ये मैंने उससे काटा है पेपर। इस पर हम कलर शीट से भी कर सकते हैं और सुंदर लगेगा, ये मैंने इसे बनाना सिखाया है। तो इसे मैं यूं यूं कर दूंगी, अब लग रहा है ना ये अच्छा, तो अब मैं इसमें गम पेस्ट कर देती हूँ थोड़ी सी। मैंने पेस्ट कर दी गम, अब ये इतना हो गया, इसको बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा सा हो रहा है, मैं इसे सीधा कर देती हूँ। हाँ तो अब ये और गन्ना करूँगी मैं, तो उसके लिए ये मैंने एक और मीडियम साइज की काटी हुई, थोड़ी सी बड़ी है इतनी। तो अब मैं इस पर यहाँ किनारे में गम लगाऊंगी, तो मैंने 1-2 बूंद लगाना है, ज्यादा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वरना ही छूट जाता है। और मैं देखो ऐसे ऊंचा करती जा रही हूँ जिससे, और बहुत धीरे धीरे करना है, पेपर फट भी जाता है। तो ये देखो मेरा कितना घना हो गया है, मैं इसको ऐसे ऐसे कर देती हूँ और मैं इसको ध्यान से टेप लगा देती हूँ, इससे घना रहेगा, घना नहीं ये चिपका रहेगा। यहाँ पे एक और बार मैं गम लगा देती हूँ, फेविकॉल है ये। कट हो गया, ये जो वाइट पेपर है ये वो फट जाता है ना, मैंने बताया था ये फट जाता है, तो इसे बहुत धीरे धीरे करना। तो ये देखो इतना घना हो गया, तो हम चाहे तो इसे और घना कर सकते हैं, बस 2 शीट और रखी, और ये बहुत बिग है तो मैं इससे और घना कर सकती हूँ, पर मैं इस पर 2 शीट लगाऊंगी। फिर इस पर ये वाइट सा ये पेपर जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो 2 पेपर थे, तो वो मैं लगाऊंगी लास्ट में बिल्कुल। तो मैं इस पर ऐसे 2 पेपरों पे और गम लगा के इसको चिपका के दिखाती हूँ, तो इसमें यह ऐसे गम लग जाएगा साइड में, पेपर पे मैंने लगाया ये देखो, और मैं ये फ्लावर पे यूँ लगा दूंगी। और फिर इसको मैंने आपको बताया था ना, सर्कल सर्कल करते जाना, तो मैंने थोड़ा सा बीच में से कट कर दिया क्योंकि ये है ना ऐसे ज़्यादा घना भी अच्छा नहीं लगता, मैंने कम घना करा है। मैंने 2 सीट नहीं लगाई, हाफ लगाई है, हाफ सीट। अब मैं इस पर मैंने आपको बताया था ना ये ऐसा पेपर, तो इसमें थोड़ा मोड़ दूंगी ऐसे और पतला कर लूंगी, और फिर इसके यहाँ पे लगाऊंगी जिससे अच्छा लगेगा। कलर सीट भी ले सकते हैं, बहुत पतला पतला कट करना। जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाया था, जो मैंने पहले से बना हुआ था वो घना नहीं था, तो मैंने ये अलग घना बनाया है। ये मेरा बन गया, अब मैं इसको थोड़ा फुला दूंगी जहाँ से नहीं फट ना जाए, तो ये मैंने फुला दिया है, अच्छा लग रहा है ना। और ये मैंने जो मेरा पहले वाला फ्लावर था, तो मैंने ऐसे 2 फ्लावर लगा दिए, तो मैं आपको अभी अच्छे से दिखाती हूँ। ये है ये जो मैंने अभी बनाया, देख कितना अच्छा लग रहा है फुला फुला। ये स्टिक इससे बनाई थी मैंने वेस्ट मटेरियल से, ये 2 शीट बच गई है मेरी। ये मेरा फैला वाला फ्लावर, और ये है फेविकॉल, एंड ये है सीजर। तो ये मेरा बन गया है। तो आज मैंने आपको सिखाया है ये फ्लावर बनाना, और ऐसा मैंने एक और बार आपको सिखाया था ना ऐसे ऐसे कट कट करके, तो इसमें मैंने ऑलरेडी कट रखी थी। बाय फ्रेंड्स।